disclosure of share capital in the company balance sheet. As per the Schedule 3rd of the Company Act 2013, share capital required to the disclose in the company balance sheet in the following manner. Okay, disclose कैसे करते हैं balance sheet में? तो first आती है, देखते हैं balance sheet as at 31st March any year, 31st March financial year close. अब ये balance sheet में अब आता है, इसमें क्या particular 4 column होते हैं. पहला होता है particular, दूसरा होता है नोट नंबर, तीसरा होता है फिगर एज एट द एंड ऑफ द करंट ईयर. जो करंट ईयर की जो फिगर होती है वो शो किया जाता है, और ये नेक्स्ट होता है फिगर एज एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर. जो प्रीवियस ईयर का जो फिगर आती है वो चीज शो करते हैं. अब बैलेंस शीट में आता क्या क्या है, हेड क्या है? पहला बैलेंस शीट में जो शेयर कैपिटल को दिखाते हैं, इक्विटी एंड लाइबिलिटी. इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंतर्गत क्या आता है? शेयर होल्डर फंड. इक्विटी एंड लाइबिलिटी, तो उसमें फर्स्ट पॉइंट आती है क्या? शेयर होल्डर फंड. जब शेयर होल्डर फंड की बात करते हैं तो इसमें क्या आता है? पहला शेयर कैपिटल, नेक्स्ट रिजर्व एंड सरप्लस, और थर्ड आता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वांटेड. ओके, ये तो बैलेंस शीट के फॉर्मेट होते हैं. ये किसके बेसिस में आते हैं? पहला आता है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इक्विटी एंड लाइबिलिटी. सेकेंड आती है शेयर होल्डर फंड, जिसके इक्विटी एंड लाइबिलिटी के हेड में क्या आता है? शेयर होल्डर फंड. फिर आता क्या है? शेयर कैपिटल. ठीक है, अब शेयर कैपिटल के बाद ए पॉइंट है शेयर कैपिटल, बी पॉइंट है रिजर्व एंड सरप्लस, और सी पॉइंट क्या है यहाँ पे? मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वांटेड. ओके, अब ये तो बैलेंस शीट के फॉर्मेट आते हैं. अब बैलेंस शीट के फॉर्मेट में इसको नोट्स टू अकाउंट्स में, यानी नोट्स टू अकाउंट्स में यहाँ पे ये क्या है? नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स में जो शो किया जाता है वो किस हिसाब से शो करते हैं? पहला आता है पर्टिकुलर वाले में यहाँ पे, ठीक है, ये होती है रुपीस की साइन, यहाँ पे रुपीस, यहाँ पे भी रुपीस. ओके, अब आता है यहाँ पे शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल आई तो शेयर कैपिटल में जो शेयर कैपिटल हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, शेयर कैपिटल में ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल एंड सब्सक्राइब कैपिटल. ओके, फर्स्ट शेयर कैपिटल के हेड में कौन से आते हैं? ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल एंड सब्सक्राइब कैपिटल. ऑथराइज कैपिटल का मतलब मैंने हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ऑथराइज कैपिटल का मतलब कंपनी ऑथराइज होती है कितने शेयर को वो इशू कर सकती है. उसमें दो टाइप्स के शेयर हो सकते हैं, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर. जितने भी नंबर ऑफ शेयर हैं, जितने भी नंबर ऑफ शेयर होंगे वो कहाँ पे आएंगे? इक्विटी शेयर ऑफ जितने रुपीज का, 100, 10 ईच एनी. या प्रेफरेंस शेयर में भी सेम वही प्रोसेस, जितने परसेंट प्रेफरेंस शेयर हैं, जितने नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर ऑफ ईच जितने रुपीज का. अब जब ऑथराइज शेयर की बात करते हैं तो इसी के साथ कंपनी क्या करती है, जब ऑथराइज करती है तो जो अमाउंट आता है, जो भी अमाउंट आती है उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं? नोट्स अकाउंट्स में, यहाँ पे करके डबल लाइन से क्लोज करते हैं. ओके, अब इसके बाद आती है क्या? इशूड कैपिटल. इशूड कैपिटल में भी वही इक्विटी शेयर कैपिटल, अगर कंपनी ने इशू किया है या प्रेफरेंस शेयर ने किया हुआ है तो यहाँ पे इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर, सेम यही चीज यहाँ पे फिर लिखते हैं. ठीक है, कंपनी के पास सपोज कीजिए 1 लाख शेयर थी, कंपनी ने 50,000 शेयर को इशू कर रही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वो 50,000 शेयर. ठीक है, वो इक्विटी शेयर हो या प्रेफरेंस शेयर हो. ठीक, और सेम इसी तरह जब इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर की आती है तो यहाँ की टोटल करने के बाद यहाँ पे जो टोटल अमाउंट करके यहाँ पे डबल लाइन से क्लोज करते हैं. ठीक, ओके, अब आता है सब्सक्राइब कैपिटल. सब्सक्राइब कैपिटल में दो पार्ट में डिवाइडेड है, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, एंड सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप. सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप की कंडीशन में, यानी कंपनी जितना सब्सक्राइब किया हुआ है और उतने के लिए पूरे का पूरा शेयर मिल रहा हो. सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में, यानी कंपनी ने जितने शेयर को ऑफर किया और पूरे का पूरा मिल रहा है, वो इक्विटी शेयर भी हो सकता है और प्रेफरेंस शेयर भी. ओके, नेक्स्ट आते हैं सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप. सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप की कंडीशन में कंपनी ने तो सब्सक्राइब किया था लेकिन वहां पे कॉलिंग एरियस हो गया. इसमें सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप की कंडीशन में दो टाइप्स के हो सकते हैं, यानी कंपनी का सपोज कीजिए कंपनी का एक शेयर की प्राइस थी 10 रुपीज की, लेकिन कंपनी ने कॉल किया कितना? 8 रुपीज. तो ऐसी कंडीशन में वो क्या होता है? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप. फर्स्ट. सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है? कंपनी ने सब्सक्राइब किया लेकिन किसी शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं किया, यानी कॉल में एरर हो गया, तो वहां पर हम लोग कॉल इन एरियस करके माइनस करते हैं. ओके,
इसके बाद जो आती है वहां पे बाय डायरेक्टर द्वारा जो लिए गए शेयर होते हैं या बाय अदर। बाय अदर्स का मतलब क्या हुआ है, जैसे कंपनी जैसे शेयर इशू कर रही है किसी एसेट परचेस करिए कंसीडर अदर देन कैश की कंडीशन में, उसके बाद कंपनी जो शेयर फॉरफिट करती है, फॉरफिट करने के बाद जितने फॉरफिट शेयर आते हैं वो लिखा जाता है, और लास्ट में इनके सबके टोटल करने के बाद जो अमाउंट आती है उसको हम लोग कहां लिखते हैं, लास्ट में टोटल करते हैं अमाउंट रिसीव, अमाउंट टू बी शोन इन द बैलेंस शीट। ये आती है हमारी किसमें, बैलेंस शीट में। यानी फिर से हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम लोगों ने बात क्या क्या किया किसके बारे में। पहला होता है बैलेंस शीट एज एट, फिर होता है पर्टिकुलर वाले, इसमें चार कॉलम होते हैं, पहला होता है पर्टिकुलर, दूसरा होता है नोट नंबर। नोट नंबर जैसे यहाँ पे शेयर कैपिटल के जैसे नंबर वन है, तो ये जो शेयर कैपिटल का यहाँ पे लिखा ये नोट नंबर में नंबर वन, नंबर वन लिखा। अब इसमें फिगर किसका होता है, एट एंड ऑफ द करंट ईयर का होता है, इसमें किसका होता है प्रीवियस ईयर का। ओके, अब प्रीवियस ईयर में अब जब इक्विटी शेयर और लाइबिलिटी की बात करते हैं, इक्विटी एंड लाइबिलिटी की बात करते हैं, तो इसमें फर्स्ट पार्ट आता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में तीन चीजें आती हैं, कौन कौन सा, पहला आता है शेयर कैपिटल, दूसरा आता है रिजर्व एंड सरप्लस, और तीसरा आता है मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वांटेड। अब जो हम लोग को शेयर कैपिटल शो करना है, हम लोग डिस्कस किसके बारे में करते हैं शेयर कैपिटल में, तो वहां पे आती है नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स में क्या क्या आता है, पहला आता है शेयर कैपिटल जो नंबर जिसके अंतर्गत हम लोग करते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल एंड सब्सक्राइब कैपिटल। ओके, और उसी से ऑथराइज्ड कैपिटल के बारे में बताया, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, और उसके बाद अगर कोई डायरेक्टर ने कोई शेयर लिया होगा तो फिर अगर किसी अदर में शेयर इशू की होगी कंपनी तब की कंडीशन में, और उसके बाद फॉरफिटेड शेयर, और टोटल जो अमाउंट आती है उसको रिसीव करते हैं यहाँ पर टोटल। ओके, अब इसके बाद बात करेंगे कि कंपनी में शेयर के इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। ओके,